तो दोस्तों विटालिटी T20 ब्लास्ट 2020 की शुरुआत 28 मई से होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 के बढ़ते महामारी की वजह से इस लीग को पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन दोस्तों अब विटालिटी T20 ब्लास्ट का नया शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, तो आज की इस वीडियो में आपको इस लीग के नए शेड्यूल और स्टार्टिंग डेट के बारे में बताने वाले हैं कि विटालिटी T20 ब्लास्ट कब से स्टार्ट होगा, साथ ही साथ इस लीग से जुड़ी सभी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप क्रिकेट के जबरे वाले फैन हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और क्रिकेट से जुड़ी लीग से जुड़ी सभी न्यूज सबसे पहले तो आते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल वाले नोटिफिकेशन बटन को भी दबा लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको क्रिकेट से जुड़ी सभी इन्फॉर्मेशन सभी न्यूज सबसे पहले मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता देते हैं कि विटालिटी T20 ब्लास्ट दुनिया का सबसे पुराना T20 लीग है और इस लीग की शुरुआत साल 2003 में हुई थी। दरअसल दोस्तों विटालिटी T20 ब्लास्ट का पहला एडिशन साल 2003 में खेला गया था, तब से अभी तक लगातार 17 सालों से यह लीग चलता आ रहा है। और इस बार विटालिटी T20 ब्लास्ट का पहला मैच 28 मई को खेला जाने वाला था, जबकि इस लीग का फाइनल मैच 5 सितंबर को खेला जाने वाला था। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 के बढ़ते महामारी की वजह से इस लीग को पोस्टपोन कर दिया गया। फिर गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं कि आखिर अब यह लीग कब स्टार्ट होगा। तो दोस्तों इस लीग के पोस्टपोन हो जाने के बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का सबसे बड़ा बयान सामने आ रहा है, जहां पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया है कि 1 जुलाई तक इंग्लैंड में कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट नहीं हो सकता। दरअसल दोस्तों 1 जुलाई तक इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने सभी प्रकार के क्रिकेट स्पोर्ट्स को बैन कर दिया है इंग्लैंड में, तो ऐसे में 1 जुलाई से पहले इस लीग का आयोजन बिल्कुल सही इम्पॉसिबल है। तो ऐसे में अब सबसे ज्यादा संभावना यही है कि आपको विटालिटी T20 ब्लास्ट 1 जुलाई को बाद देखने को मिलने वाला है। तो गाइस जब ऐसे में यही संभावना निकल कर आ रही है कि विटालिटी T20 ब्लास्ट की शुरुआत आपको 1 जुलाई से होती हुई दिखाई देने वाली है, हालांकि अभी तक यह अनऑफिशियल खबर है, ऑफिशियल तरीके से इस पर अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है कि इस लीग की शुरुआत 1 जुलाई से होने वाली है। फिर भी दोस्तों अभी तक 90% चांस तो यही है कि इस लीग की शुरुआत आपको 1 जुलाई को होते हुए दिखाई देने वाली है, क्योंकि दोस्तों 1 जुलाई तक इंग्लैंड में सभी प्रकार के स्पोर्टिंग इवेंट बैन है। तो ऐसे में यह लीग अब आपको 1 जुलाई के बाद से ही स्टार्ट होने वाली है, और उसके बाद जुलाई के लास्ट में इंग्लैंड का सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसे में बहुत से प्लेयर्स अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो ऐसे में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी इस लीग को 1 जुलाई को स्टार्ट करना चाहेगा और मिनी फॉर्मेट में इस लीग का आयोजन कराना चाहेगा। हो सकता है कि और भी ग्रुप में टीम्स को बांट दिया जाए और इस लीग को 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच में अरेंज कराया जा सकता है। हालांकि अभी जैसे ही इस पर कोई फाइनल अपडेट आता है वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है यह लीग कब से स्टार्ट होगा, और क्रिकेट से जुड़ी सभी न्यूज सबसे पहले पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।